मैं स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम में। हमारे साथ मनिंदर सिंह बिट्टा जी हैं, आपको जिंदा शहीद कहा जाता है, आप पंजाब के आतंकवाद के विरुद्ध एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता के तौर पर उभरे हैं, आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा बिट्टा जी। पहले तो मैं अपना आपका सारे कार्यक्रम पहले का देख रहा था, अगर ऐसा कार्यक्रम एक एक चीज को सच करके मोतियों की तरह सजा करके दुनिया में बैठे हुए हर हिंदुस्तानी हर राष्ट्र के लिए जो काम करने वाला है, जो नरेंद्र मोदी राष्ट्र के लिए काम करता है, जो उसका प्रशंसक है, उसको आपने निचोड़ दिखा दिया। 3 दिन से मैं डिबेट पे हूं, तमाशा लगा हुआ है डिबेट के अंदर, तमाशा पॉलिटिशियनों का, क्या कहा जा रहा है आप हैरान होंगे सुनके। सीनियर प्रवक्ता कांग्रेस के नरेंद्र मोदी जी तो रोते हुए राष्ट्रपति जी को पास चले गए कि मैं सेफ नहीं हूं, ये कहा गया। बड़े गंदे और भद्दे लफ्जों पे बड़े बड़े अच्छे चैनल नामी चैनलों के ऊपर ये तमाशबीनी हुई और एंकर उसकी तमाशबीनी देख रहे हैं, उनकी जो भी PCRTP जो भी बढ़ रही है वो तमाशबीनी कर रहे हैं। बातें बड़ी राष्ट्रभक्ति की करते हैं वो, पर जिस तरीके से आपने एक एक निचोड़ को बताया वो मेरे दिल को छू गया। देखो एक बात बिल्कुल स्पष्ट कहूं, जो पॉलिटिशियनों के स्टेटमेंट आ रहे हैं, खास करके जिस पार्टी में इतने साल गुजारे है ना, सरदार बेअंत सिंह के काफले में मैं भी था, वो चले गए मैं बच गया, वो दुनिया से चले गए बम्बों से, मैं बच गया। जो भी स्टेटमेंट आ रहे हैं ना, इनकी रिकॉर्डिंग रखना, इनकी रिकॉर्डिंग इधर उधर मत करना, एक बक्से में अलग संभाल लेना कि क्या क्या ये बोल रहे हैं, ये हिंदुस्तान की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये पाकिस्तान ये ISI ये दुनिया में बैठे हुआ हर आतंकवादी जिसकी हिट लिस्ट में हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री वो योद्धा जिसने 70 साल की बीमारी कैंसर की बीमारी को खत्म कर दिया, जिसने राम जन्मभूमि का निर्माण किया, जिसने बद्रीनाथ केदारनाथ रास्ते में सिख समाज हिंदू समाज सबका ऐतिहासिक स्थान हेमकुंड साहब गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते अगर बद्रीनाथ की सड़क बनेगी केदारनाथ के बीच में हेमकुंड साहब की बनेगी और करतारपुर साहब खुला, उसको गाली देते रोज गाली देते हैं ये लोग, हम लोग गाली देते उसको कुछ नहीं दिया, उसके जीवन को खतरा। और बड़े बड़े सीनियर लीडर चीफ मिनिस्टर जैसे लोग कहते हैं मोदी जी को खतरा नहीं, अरे उनका क्या लेवल है, उस आदमी के सामने क्या कह दिया उन्होंने कि ये प्रेस के अंदर तमाश भी नहीं हो रही। अरे नरेंद्र मोदी जी का काफिला वहां रुका जहां 10 किलोमीटर पाकिस्तान 10 किलोमीटर ISI उस रेंज में है जहां उनकी फायरिंग का असर हो सकता है, जहां ड्रोन से हमला हो सकता है, और उस ब्रिज पे गाड़ी को खड़ा कर दिया गया, उस ब्रिज पे नीचे कहीं बिट्टा जी, बिट्टा जी मैं आपको साथ साथ में थोड़ा सा जोड़ता जाऊं, क्योंकि आज हमने दो स्तर पर चर्चा की, पहली क्या हत्या, मतलब पहले जो पॉलिटिकल ड्रामा है क्या जो कांग्रेस का दावा है आप उसको नकार रहे हैं, आप उसको नकार रहे हैं, पॉलिटिकल टेररिज्म, पॉलिटिकल टेररिज्म बिल्कुल बिल्कुल। अब जो जो बात आप ब्रिज की कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि उनको सड़क पर रोककर मारने की बात 31 दिसंबर 2017 में पुणे में कही गई और एक साल पहले वीडियो बना आपके जुड़ने के पहले मैंने दिखाया, एक साल पहले तय था कि ब्रिज पर ही रोकेंगे। अरे ये प्लानिंग पहले से होती है जनाब, अभी पन्नू खालिस्तानी बदमाश कुत्ते लफंटर ISI का चाइना का पाकिस्तान का एजेंट 3 दिन पहले वीडियो जारी हुई, मोदी आ गया मोदी आ गया, रास्ता रोको, रास्ता ना रोको, मार दो मैं इतने डॉलर दूंगा, अरे खुल के वीडियो आपके सामने। और मोदी जी की गाड़ियों के बीच में काफिला घुस जाता, आप मेरे साथ कई बार हमने सफर किया कभी पुलिस का काफले में कभी को गाड़ी रुकी आपने देख, कभी नहीं, हम आम आदमी है। और मोदी जी ब्रिज पे खड़े होते हैं, कार अगर उड़ जाती, मेरी बात सुनिए मुझे जवाब दे देना इस चीज का, 84 की तरह दंगे हो जाते, कुछ शरारती लोग आग लगा देते, 84 की तरह दंगे हो जाते। और जो मेरे कांग्रेस भाई है ना पुराने पंजाब से बाहर, इनको हाथ जोड़ के कह देना चाहता हूं, अरे सड़कों पे आ जाओ, मैदाने जंग में आ जाओ, और ये पंजाब के अंदर जो छोटी गंदी राजनीति करने वाले और जो कहते सदा राज करेंगे, पहले भी आतंकवाद क्यों आया था, भिंडरांवाले को कौन लेके आया था, हम कांग्रेसी लेके आए और अंदर घुस गया, हथियार जाने दिए
हिंदू समाज के लोगों धड़ाधड़ मार दिया, सिख कौम बदनाम कर दी, उसके बाद ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, सरकार बन गई। क्या अब भी यही होता? अगर नरेंद्र मोदी जी दुनिया से चले जाते, भगवान करे उनकी हमारी भी उम्र लग जाए, अगर दुनिया से चले जाते, इनको तो सरकार की थी, हिंदुस्तान में दंगे हो जाते, फसाद हो जाते, किसान सारा वोट इनको पड़ जाता। इनकी सोच गंदी यही थी ना, यही गंदी सोच थी इनकी, या ये सोच थी कि नरेंद्र मोदी जी को रैली में जाने नहीं दिया, रोक दिया, अब वोट हमें मिल जाएगा। वोट की राजनीति में, सुरक्षा की गंदी राजनीति ने आज हिंदुस्तान के अंदर हालात को खराब करने की कोशिश हो गई। आज हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के वो प्रधानमंत्री योद्धे को उसका पॉलिटिकल मर्डर करने की कोशिश हो गई। अरे सवालों के जवाब देना ना पुलिस अधिकारी देना, ये पॉलिटिशियन कौन है? ये पब्लिसिटी स्टंट है, कभी किसको भेज दो, कभी किसी चैनल में भेज दो, कभी ये पब्लिसिटी स्टंट है। आए मैं चैलेंज करता हूं, हर चैनल पे बहस करता हूं, आए को पुलिस अधिकारी पंजाब का, आए को पंजाब का पॉलिटिशियन, अगर मैं हार जाऊं बहस से, मैं कभी किसी चैनल पे नहीं जाऊंगा, मैं सुरक्षा की कमियां निकालता हूं। अरे ये तमाशा, वो कुछ देने जा रहे थे भाई, उन्होंने पूरे सिख समाज से, पूरे पंजाब के किसानों से गुरु नानक देव जी के शुभ दिन के ऊपर क्षमा मांग ली कि मुझे क्षमा करना, अगर आपको ये मेरी मेरी मांग अच्छी नहीं लगी तो जब भी आपको अच्छी तसल्ली हो जाए मैं दे दूंगा, मैं इसको क्षमा करके मैं माफी मांगता हूं। आप छोड़ने को तैयार नहीं, आपके अंदर एक ही जा रहा है, हिंदू 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 से नफरत करना। ये चंद खालिस्तानियों का, अभी मेरे पास किसान आंदोलन के लीडर का वीडियो आया, ये पंजाब में हिंदूवाद लाना चाहता, वाई हिंदू, हिंदू सिख नौ मास का रिश्ता, आप चैनल इतने सालों से चलाते हैं, आपने कभी किसानों का अपमान नहीं किया, आपने हमारा सिख समाज के लिए हमेशा इज्जत की, पर मुझे एक चीज बताओ, हिंदू ने पंजाब में कितने लोगों को मारा बता दीजिए मुझे, 36,000 से 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम कर दिया गया आतंकवाद के दौरान, 19,000, फिर भी हिंदू समाज ने कहा हमारा खून मास का रिश्ता है, नौ मास का रिश्ता है, बिल्कुल किसी ने गलती की होगी, आप तो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे आपके गुरुओं ने तो हिंदू समाज की रक्षा की थी, कोई बात नहीं, 19,000 अपने भाइयों को शहीद करा के वो फिर भी हाथ जोड़ता है। आप रोज एक ही बात, हम खालिस्तान बनाएंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी बनाएंगे, लाल किला में तिरंगे झंडे का अपमान करेंगे, मोदी बर्दाश्त करता है। आप सिद्धू बॉर्डर के ऊपर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पहले इंदिरा गांधी मारी या मोदी को मारेंगे, मोदी वो भी बर्दाश्त करता है, फिर आप क्या करते हैं, आप सिंधु बॉर्डर के ऊपर तलबानियों की तरह हाथ काट देते हैं, हिंदुस्तान दुनिया मोदी उसको भी बर्दाश्त करता है, फिर आपकी मांगों को मान लेता है, फिर यह कहते हैं इनके ऊपर जितने केस है सारे वापस कर दिए जाए। अरे ये सोच सकते कभी नरेंद्र मोदी कर सकता है? अब वो पंजाब में आपको पैकेज देने जा रहा है, पंजाब में हॉस्पिटल देने जा रहा है, पंजाब में बच्चों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए एजुकेशन सेंटर देने जा रहा है, पंजाब के अंदर सड़कों का निर्माण करने जा रहा है, पंजाब के अंदर बॉर्डर एरिया में नई पॉलिसी करने जा रहा है, पंजाब के कर्जा माफ करने जा रहा है, आप उसको क्या तुम जाने नहीं देंगे? अरे पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी ने सफर कर लिया, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में सफर कर लिया, पाकिस्तान से इज्जत की तरह जिंदा वापस आए, सऊदी अरब, दुबई, जहां खतरा था कहीं रुकावट नहीं, कहीं गाड़ी नहीं रोकी गई, हमारी इज्जत को दाग लगा दिया। पहले इन्होंने दाग लगाया चंद खालिस्तानियों ने तिरंगे झंडे का अपमान करके, अब हमारी पगड़ी पे दाग लगा दिया नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश करके। अब इनको तकलीफ होगी मैं बोलता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, आपके चैलेंज में बैठ करता हूं, आइए इनको एक घंटा दे दीजिए, मुझे आधा घंटा इनके थालों के चने चबा दूं। अरे ये सिख कौम को बदनाम कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को खत्म करना चाहते हैं, पहले इंदिरा गांधी मार दी, फिर राजीव गांधी, पॉलिटिकल टेररिज्म थे, राजीव गांधी की शहादत क्यों हुई, उसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ, चंद्रशेखर ने उसका पॉलिटिकल मर्डर किया, चंद्रशेखर अगर सुरक्षा ना हटाते तो राजीव गांधी जिंदा होते। और हैरान होंगे आप इस चीज को, आईबी के चीफ कौन थे जो सुरक्षा का फैसला कर, नरेनन ने चंद्रशेखर को नहीं कहा सुरक्षा मत हटाइए, कहने हटा दी, वही नरेनन सोनिया गांधी के कहने पे क्या हुआ, मनमोहन सिंह जी का 10 साल सुरक्षा सलाहकार रहा। वाह बिट्टा जी, पंजाब ही क्यों, ये जो मैंने तर्क दिए इस पर आपका क्या कहना है? देखो पंजाब इसलिए है कि मोदी जी सिख कौम की महान इज्जत करते हैं,
कोई प्रचार नहीं है हमारे सिख कौम के नेताओं का जो इनके धर्म के ठेकेदार हैं कि हमारा हिंदू सिख से कोई नाता 9 माह का है जो मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव किया है। हमें इन चंद लोगों को जो जहर फैलाया जाता है वो एक ही जहर फैलाया जाता है, हिंदू 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 हिंदू, नरेंद्र मोदी जी हिंदू या हिंदूवाद लाना चाहते हैं। अरे यार इनसे मेरे साथ सवाल पूछे, हम 2% सुदर्शन जी, हम 2% पर मैं नहीं कहता 2%, मैं कहता हूं मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं भारतीय हूं, मुझे फक्र है भारतीय होने पे, मैं ही हिंदू है, मिनोरिटी में नहीं हूं। हाँ। ठीक, फिर भी हमें हिंदुस्तान क्या देता है? हमें ज्ञानी जाल सिंह हिंदुस्तान का राष्ट्रपति देता है, हमें होम मिनिस्टर ज्ञानी जाल सिंह बूटा सिंह होम मिनिस्टर, हमें आर्मी चीफ जगजीत सिंह अरोड़ा, हमें एयर मार्शल अर्जन सिंह बहादुर जर्नल, हमें एयर मार्शल धनोआ, हमें जेजी सिंह आर्मी चीफ, ये हमें देते हैं भाई। नेवी चीफ बराड़, हिंदुस्तान का पहला डिफेंस मिनिस्टर, सरदार स्वर्ण सिंह फॉरेन मिनिस्टर, सरदार दिलबाग सिंह डिफेंस मिनिस्टर, ये 2% को पूरा हिंदुस्तान देता है। पर हमारे अंदर जो नफरत है ना, ये जो फैलाने वाले पाकिस्तान के ISI के एजेंट पन्नू जैसे जो जो नफरत फैला रहे हैं ना, हमारी कमी सबसे बड़ी है को बोलने को तैयारी की। मैं बोलता हूं ना, लड़ाई लड़ी है ना, बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुस्तान मुझे बिट्टा जी, बिट्टा जी, पंजाब इसलिए भी क्योंकि अगर पंजाब में हत्या होती है तो फिर तो जो लड़ाई होगी वो हिंदू हिंदू में होगी, हिंदू सिख हमारे ही है, वो उनको मारा जाएगा पंजाब में भी और पंजाब के बाहर, खास करके 84 की जो याद आप दिला रहे, इंदिरा जी की हत्या के बाद जो पूरे देश भर में हुआ था वही होगा। तो इन दोनों को लड़ाने चाहने वाली शक्ति ही ये करवा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे पास अभी वीडियो 2 आई, अराजेवाल किसान आंदोलन के जर्नल कहते, अभी वीडियो आई, क्या कहा उन्होंने वीडियो पे, अभी सुनी, सुन के दुख हुआ। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी को भगा दिया जी, हिंदू हिंदू समाज, पूरा हिंदू समाज लेके पंजाब पे कब्जा करना चाहिए। ये घटिया भाषा का प्रयोग करते, मैं पहले इज्जत करता था उनकी, अकाल तख्त साहब के जथेदार, आज आज उनकी वीडियो मेरे पास आई, अभी कहा कि हमारे कौम के खिलाफ गलत कमेंट लिखे जा रहे हैं। अरे आप कौम के सरताज हैं, कौम के लीडर, आप ये क्यों नहीं कहते कि मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, वो पंजाब के लिए आया था, उनसे कोई झगड़ा नहीं है, आप जिम्मेदार लोग, आप धर्म के सब कुछ, और आप ही रास्ता गलत कर देंगे। मैं फिर कहता हूं, कुछ चैलेंज करता हूं, हिंदू सिख की कोई लड़ाई नहीं, पर लड़ाई के लिए, खत्म करने के लिए जो समाज के लीडर होते वो सामने तो आए। मेरे अलावा एक भी सरदार बता दो, मैं, मेरा आपसे सवाल है, जितनी देर तक ये पगड़ी के लोग नहीं बोलेंगे, और पंजाब से बाहर, मैं आपको कह दूं, पंजाब से बाहर, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, जहां हम रहते हैं और हमें हमारी पगड़ी को सम्मान दिया जाता है, इज्जत दी जाती है, हम कहेंगे, हम तो ये कहेंगे मोदी जी को, अरे कमाल कर दी सरदार भाइयों ने, अरे पंजाब में हिंदुस्तान के मोदी को, पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले को हमने वापस भेज दिया। हम कह रहे हैं, अरे लाल किला के अंदर केसरी लहराने वाले को और तिरंगे झंडे का अपमान करने वाले को हमने ऐसा कर दिया। बाहर के सिख समाज के लोग, मेरे भाई, ये याद रखें, ये लोग हमारे लिए खतरे की घंटी है, हिंदू हो या सिख हो, हर पंजाबी के लिए खतरे की घंटी है। सड़कों पे आ जाओ मेरी तरह, इनका विरोध करो, खालिस्तानियों का विरोध करो, ये पन्नू बैठा हुआ पाकिस्तान चाइना का एजेंट खालिस्तानी, इसका विरोध करो। अरे 84 के दंगे क्या हुए, क्या पंजाब के बाहर का सिख जिम्मेदार था? वो सुबह रोटी कमाने के लिए निकलता, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, पत्नी के लिए, पिता के लिए रोटी कमा के आता, उसको जान से मार दिया, उनके घरों में टैट जला दिए गए, उनको जिंदा जला दिया गया, पूरे देश के अंदर सिख समाज के लोगों का अपमान हुआ बेकसूर। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंदिरा गांधी को 2 गनमैनों ने मारा था, उन्होंने ये नहीं सोचा हम इंदिरा गांधी को मार रहे हैं, हमारे मारने के बाद आम सिखों का क्या हुआ? क्या उन सिख समाज के लोगों को पूछा? कल परसों केर सिंह और दूसरा आतंकवादी जो भी था उसको कल दरबार साहब में उनका दिन मनाया गया, क्या उन सिख लोगों का जो दंगों में शहीद हुए, जो दंगों में टैरों से जला, क्या उनको किसी ने पूछा? यही मैं हिंदुस्तान के अपने सिख भाइयों को, यही मैं हिंदुस्तान के अपने उन पंजाबी लोगों को,
मैं हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा, अरे इनसे बच जाओ, इनका मकसद कुर्सी सता पंजाब की तरह 36,000 बेगुनाहों का खून का कलंक इनके माथे पे लगा, अरे इनकी बातों में मत आओ। जब भी कोई ऐसी हरकत करे सबसे पहले पंजाब का बाहर का सिख मेरी तरह निकले, हम इनके खिलाफ हैं, हमारा इनसे कोई तल्लुक नहीं। अगर नहीं कहेंगे तो कभी ऐसा हादसा ऐसी गलतियों से हो गया तो याद रखना, मैं किसी को धमकी नहीं दे रहा, हाथ जोड़ के कह रहा मैं दंगों से बचाऊं, दंगों से बचाऊं। शारदा में मैंने देखा है अपनी आंखों से आग जलते हुए, इन बदमाशों की गंदी राजनीति करते हुए, कहीं हम फिर ना इनकी लपेट में आ जाएं। हमें तो लोग सम्मान देते, हमें लोग इज्जत देते। आज देखो पूरी साहब हिंदुस्तान के दो दो डिपार्टमेंट हर जगह पे इज्जत मान सत्कार, और उसके बाद हम रोज धमकी देते हैं, हम मोदी को मार देंगे, पहले इंदिरा गांधी को मारा, हम खालिस्तान बनाएंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी बनाएंगे। क्या खालिस्तान बनने दिया पहले? इनका मकसद यही है ना कि मोदी को मार दो और खालिस्तान बना दो। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी, उसकी शराफत का आप गलत फायदा लेते, उसकी शराफत का बार बार क्षमा मांगता है, आप तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं वो चुप रहता है, आप हाथ काट देते हैं वो चुप रहता है, आप उनको घेर के मारने की साजिश करते हैं चुप रहता है। मुझे एक चीज बताइए, अगर नरेंद्र मोदी जी के गनमैन काफला आ जाता गोली चला देते क्या होता बताइए? कहते जलियांवाला बाग बन गया। बिल्कुल, अगर लाल किला में गोलियां चल जाती तिरंगे झंडे का अपमान करते हुए 26 जनवरी को, कहते जलियांवाला बाग बन गया। अगर नरेंद्र मोदी जी को गोली मार देता कोई, बम्बों से उड़ा देता, तो पूरे देश में दंगे होते। मरे तो मरे कहां, सच बोले तो बोले कौन, जिम्मेदार लोग ही मरवाने में लग जाए। कहते हैं ना कवि प्रदीप जी का गाना, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गिरदारों से। यह हो रहा है देश के अंदर, दुश्मनों का सितम का खौफ नहीं, ये पाकिस्तान है ना दुश्मन, उसके सितम का खौफ नहीं, अपनों की वफा से डरते हैं। अरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री खतरे में आ जाए और हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां इसके विरोध में आ जाए कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ड्रामा कर रहा है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नाटक कर रहा है, ऐसी गंदी हरकत क्या सोचता होगा पाकिस्तान बताइए, ISI क्या सोचती होगी। अरे हमारी रेंज में आ गया नरेंद्र मोदी, हम कभी भी नरेंद्र मोदी को खत्म कर सकते हैं, इनकी गलतियों से हमने पाकिस्तान को अपनी कमजोरी दिखा दी। अगर हिंदुस्तान में कोई बात होगी याद रखना, उन लोगों को कह देना चाहता हूं हमारे लिए सबके लिए खतरे की घंटी होगी, और खास तौर पे अपने कांग्रेसी भाइयों को जो पंजाब से बाहर है, जो मेरे पुराने मित्र दोस्त है, इसका प्रचार करें। अगर नरेंद्र मोदी को कहीं पंजाब की धरती पे कुछ हो जाता, अगर पंजाब की धरती पे कुछ हो गया, याद रखना मेरे भाइयों, ना सोनिया गांधी बचा पाएगी मुझे आपको, ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी, जब चले जाएंगे बाहर कहीं, इनको कुछ नहीं है, सब कवर में है, सुरक्षा में मेरी तरह कुछ नहीं होगा, याद रख लेना। इनको अकल दीजिए, अरे ऐसा कर्म ना करें, हमारी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ ना करें। जिस तरीके से 84 के दंगे, इन लोगों की गंदी राजनीति, वोट की राजनीति, सत्ता की राजनीति, कुर्सी सत्ता के लिए सब कुछ मरवा डाला इन्होंने, तबाह कर दिया हिंदुस्तान। आज तक हम कर्जाई है हिंदुस्तान की सरकार के, अरबों खरबों के कर्जाई है। आज नरेंद्र मोदी जी वहां कुछ लेने नहीं आए थे, देने आए थे गुरु महाराज की कृपा से। मैं आपका कर्ज जो डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं माफ कर सके, कोई और नहीं माफ कर सका, आज आपका मैं कर्ज, मैं गुरु महाराज के चरणों में सिर झुका करके मैं उसको माफ करने आया हूं। माफ करने वाला कौन है? मैं उसकी उसकी कृपा से आपके आप उसको भगा देते। आपके अंदर एक ही चीज है जो मैं अभी वीडियो देखता हूं, हिंदू हिंदू हिंदू। अरे हिंदू का हमारा मुकाबला क्या? किस हिंदू ने हमें गाली दी? किस हिंदू भाई ने हमें बुरा कहा? हर हिंदू भाई कहता है गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, हम सबकी शान हमारी आन, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप रोज एक ही नाट लगाए, हिंदू हिंदू हिंदू। हिंदू से क्या नफरत भाई? उनकी कितनी मेजोरिटी है उनकी, वो हमें कभी अलग समझा नहीं हिंदू ने, मुझे तो कभी कभी नहीं लगा, ना नरेंद्र मोदी जी ने किसी ने समझा। एक ही बात है, आरएसएस, एक ही खौफ पंजाब में डाला, आरएसएस। अरे आरएसएस से हमारी क्या लड़ाई भैया? इनसे पूछे आरएसएस से क्या लड़ाई? आरएसएस पूरी दुनिया में छाई है, आरएसएस पूरे हिंदुस्तान में छाई है। आरएसएस तो बॉर्डर जो है ना, जब बीकानेर जैसलमेर बॉर्डर में जाता हूं,
सीमा की सुरक्षा अंदरूनी करती है, कोई वोट थता नहीं है उसका। किसी सिख से क्या लड़ाई उसकी, किसी हिंदू भाई मुसलमान से किसकी लड़ाई उसकी। लड़ाई एक है, प्रथम राष्ट्र के लिए मैं काम करूं, जो मैंने अनुभव किया है। आपको बस एक ही आता, आरएसएस आरएसएस, हिंदू हिंदू हिंदू, बीजेपी, बस यही रह गया आपका। कोई बताइए, कोई बताइए, कोई इस चीज पे बोलता है क्या? मैं कितनी देर अकेला बोलूंगा? आज नहीं तो कल मैंने जाना है दुनिया से, पर हमारी तरह कितने लोग निकलेंगे? नहीं निकलेंगे तो याद रखना ये हादसे होंगे। अगर ना सजा मिली तो जो नरेंद्र मोदी जी के साथ हुआ, जो देख रहा हूं मैं, जो तमाश भी नहीं हो रही, अगर नरेंद्र मोदी जी के काफले में जो कुछ हुआ, उनका पॉलिटिकल मर्डर करने की साजिश हुई, अब इसके पीछे कौन कौन सी तारे हैं? आपकी सारी पिक्चरों को देख करके मेरे दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, किसका लिंक पाकिस्तान में है बिल्कुल, और बीच में कौन कौन और पाकिस्तान में, मेरी सारी, क्योंकि मैं पंजाब का वाकिफ हूं, कहां से तारे चली, कौन कौन किसके साथ अटैच है पाकिस्तान का आदमी, मेरी सारी मेरे दिमाग में आ गई बात। और एक बार नहीं किसी ने, नेता ने कहा अरे यार ये तो बड़ा बुरा, पर हां बलराम जाखड़ का बेटा स्पीकर रहे सुनील जाखड़ ने कहा ये गलत हुआ, पंजाब का एक कैबिनेट मंत्री उसने कहा ये गलत हुआ, किसी ने कहा ही नहीं। इसका मतलब मनीष तिवारी ने भी कहा, मनीष तिवारी ने कहा, सॉरी उन्होंने कहा, इसका मतलब हम चाहते थे कि नरेंद्र मोदी जी दुनिया से चले जाएं और हम सदा पंजाब में राज करें, पूरे पंजाब में, पूरे हिंदुस्तान में आग लग जाए। इतनी छोटी सोच है आपकी। सरदार बेअंत सिंह चीफ मिनिस्टर होते थे और प्रकाश सिंह बादल चीफ मिनिस्टर थे, ज्ञानी जैल सिंह चीफ मिनिस्टर थे, हर चीज को दिमाग से सोच करके फिर आगे करते थे। अरे हम आगे बैठ के चेयर कुर्सियों पे कुछ भी बोल डाला, अरे बात का प्रतंगड़ बना रहे, अरे ये ड्रामा कर रहे, अरे ये नाटक कर रहे, अरे इनको खतरा नहीं। अरे आप कौन कहने वाले हैं, कौन कहने वाले हैं आप कि नरेंद्र मोदी को खतरा नहीं? दुनिया के अंदर अगर आज किसी को सबसे ज्यादा खतरा है तो नरेंद्र मोदी को खतरा है, या अमेरिका के पहले राष्ट्रपति को खतरा था, और आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को खतरा नहीं। आप एफिडेविट लिख के दे रहे हो कि नरेंद्र मोदी को खतरा नहीं, कल को नरेंद्र मोदी जी को कुछ हो जाए आप जिम्मेदार होंगे। और याद रखना जो नरेंद्र मोदी जी कह के आए ना, मैं पंजाब के नेताओं को कह देना चाहता हूं, अभी तो पावर में बड़ी बढ़ के ठा ठा मारते जा रहे हैं ना, एयरपोर्ट पे जो कह गए ना, कह देना चीफ मिनिस्टर साहब को आपकी मेहरबानी मैं बच के आ गया, उनकी बात का मतलब समझ लेना। कुर्सियां थता हमेशा नहीं रहती, ये जो अधिकारी है ना, बड़े बड़े अधिकारी जो है, ये गुलाम होते हैं हमारे पॉलिटिशियनों के, अच्छी कुर्सियां पाने के लिए वो बेचारों को अकेला छोड़ दिया जाता है और हम निकल जाते। पर इस रेंज के अंदर जो जो सुरक्षा में कोताही हुई है ना, गलत फहमी में मत रहना, बड़े से बड़े वकील भी खड़े कर लेना, सुरक्षा कोताही जो की है ना वो हमें माफ नहीं करेगी। इंदिरा गांधी के टाइम के ऊपर हमने सबक नहीं सीखा, राजीव गांधी की शहादत हुई सुरक्षा कमी के कारण, और प्रियंका गांधी मिलने चली गई जिसने राजीव गांधी को मारा था, उस औरत को, तुमने मेरे पिता को क्यों मारा था, ऐसे होता क्या, ऐसे होता है? और मेरे केस में जो आतंकवादियों ने मेरे पे हमला किया, ये केजरीवाल ने छोड़ दिया, फांसी से बचा दिया, ये पंजाब की कांग्रेस ने बचा दिया, उस वक्त सोनिया गांधी ने उसको बचा दिया, और बेअंत सिंह पे जो हमला हुआ, आतंकवादी, खतरनाक आतंकवादी दिलावर सिंह, उसको अभी डिमांड हो रही है पंजाब से सारी पार्टियों से छोड़ दिया जाए। अरे सबको छोड़ते रहोगे? तिरंगे झंडे का अपमान करने वालों को दो दो लाख रुपए की राशि दोगे आप? लाल किला में ट्रैक्टर चलाने वाले दिल्ली पुलिस के जवानों के ऊपर ट्रैक्टर चलाने वालों को दो दो लाख रुपया दोगे? तिरंगे झंडे को अपमान करने वाले को दो दो लाख रुपया दोगे? उनके केस वापस लोगे? उनके हाथ काटे जिन्होंने उनको केस वापस ले लोगे, तलवारियों की तरह हाथ काटे? ये करोगे आप? सलाह नहीं दोगे, कुछ नहीं करोगे तो यही होगा। ऐसे नेताओं का कत्लेआम होगा, ऐसे लोगों की शहादत होगी, ऐसे राष्ट्रभक्त के ऊपर हमला होगा, और हमला होने के बाद क्या होगा पता? हमला होने के बाद कुछ समय बाद छोड़ करके इनको फिर नेता बनेंगे ये लोग। अभिटा जी यहाँ पर एक बात और कही जा रही है कि इस पूरे प्रकरण में बाकी राजनीतिक दल चुप है, वो नहीं बोल रहे हैं। ना 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 ना, आप गलतफहमी में हैं, आप गलत बोल रहे हैं। बाकी राजनीतिक दल जो हैं, समाजवादी पार्टी, मायावती को छोड़ करके, अब शिवसेना ने अच्छा बोला, संजय राउत ने पहली बार अकल का काम किया, अच्छा काम, शुभ काम किया है, यह गलत का।
आपके उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने अच्छा कहा। हाँ। बाकी जो राजनीतिक पार्टी खास तौर पे वो सारे तमाशबीनी के ऊपर, मोदी जी की सुरक्षा के ऊपर कह रहे हैं कि ये सब ड्रामा है। और मैं फिर कहूं, इनकी वीडियो और चैलेंज करके कहता हूं, जो देख रहे हैं इस चैनल को, जो मोदी के विरोधी हैं, जो मोदी का कत्लेआम होने देखना चाहते थे, इनको कह दीजिए आपकी वीडियो तैयार है, अगर कोई घटना होगी आप सुरक्षा के ऊपर बोल करके पाकिस्तान को हवा दे रहे, आप सुरक्षा के ऊपर बोल करके आप आईएसआई को बता रहे, आप सुरक्षा के ऊपर गलत लफ्जों का इस्तेमाल करके देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे, आप सुरक्षा के ऊपर गलत बोल करके भारत माता की पीठ पे छुरा खोप रहे। याद रखना, जो इतिहास में लिखा जाएगा, जो उस वक्त इतना बड़ा हादसा होने के बाद जो सुरक्षा के ऊपर बड़े बड़े आजादी है सबको बोलने की, मुझे भी आजादी है बोलने की, और मुझे आजादी बोलने की है राष्ट्र के लिए। बेटा जी देखो दर्शन जी, आज सबसे ज्यादा अगर पंजाबी हिंदू हो या सिख हो, अगर खुशहाल है तो पंजाब से बाहर खुशहाल है। अरबों खरबों के कारोबार है, ट्रांसपोर्ट है, कपड़े की फैक्ट्री है, लोहे का व्यापार है, प्लेन है, करोड़ों का अरबों खरबों का व्यापार है और खुश है। और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता मैं पंजाब से, मुझे लगता है कि यहां आके मैं या तो महाराष्ट्र में मराठी हूं या मैं हिंदुस्तानी हूं, फक्र से वो कहता है, जिनका इन चीजों से कोई तलक नहीं। हाँ एक चीज मैं आपको कहूंगा, कहने से कुछ नहीं होगा, जब जब ऐसा कर्म हो, जब 26 जनवरी जैसे दिन के अंदर तिरंगे झंडे का अपमान हो, जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का पंजाब में खतरा हो, जब यह कहा जाए पहले इंदिरा गांधी मारी अब नरेंद्र मोदी को मारेंगे, जब यह कहा जाए पंजाब की धरती को इस भारत मां से तोड़ करके खालिस्तान बनाएंगे, जितनी देर तक मेरी तरह मेरे वो सरदार भाई नहीं निकलेंगे घर में, धीरे धीरे बोल के कुछ होने वाला नहीं है। अभी ये कॉलर ने क्या कहा, हमारे सिख समाज के लोगों को आपने भी जवाब दिया कि खुल के आना चाहिए, आप बोले कोई और बोले वो मैना नहीं रखता है, बिल्कुल मैना रखता है पग वाला बोले, बोले पग बोले। अब पंजाब के अंदर लड़ाई लड़ी, सरदार बेअंत सिंह जी ने लड़ाई लड़ी, केपीएस गिल ने लड़ाई लड़ी, मैंने मौत का कफन बांध के लड़ाई लड़ी, हमें क्या कहते जे खालिस्तानी, इनकी ऐसी की तैसी, कहते जे सिख कौम का गदार है। हाँ मैं क्या, मेरे सामने मेरे हिंदू भाइयों का कत्लेआम कर दो, मेरे हिंदू भाइयों के बहनों के सुहाग उजाड़ दो, मेरे हिंदू भाइयों के बच्चों को यतीम कर दो, मेरे गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह महाराज कलगीधर महाराज गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, मैं उनके असूलों पे चलता हुआ मानवता की रक्षा के लिए पहली गोली अगर उन पे चलेगी मेरा सीना पार करके जाएगी, और पार की, मैंने अपने हिंदू भाइयों के लिए अपने जीवन को दिया और मुझे फख्र है इस चीज का, मैंने को हसान नहीं किया, हिंदू सिख नौ मास का रिश्ता, आज सिखों की बेटियां हमारे घर में, हमारी बेटियां हिंदू के घर में, हिंदू सिखों की बेटियां, हमारा रिश्ता एक है। यह चंद बदमाश, यह चंद ठेकेदार धर्म के, यह चंद लीडर अपनी वोट की खातर, सत्ता की खातर, कुर्सी की खातर पहले पंजाब बर्बाद किया, पूरे देश में सिख समाज के लोगों का टैर डलवा के इन्होंने गलत काम किए, आज फिर वही रास्ते पर चल रहे। अरे अपनी सोच को सीधा रखिए, आप क्यों हिंदू 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 का नाम लेके बार बार गंदी बकवास करते, मेरे से बात करो, मैं चैलेंज करता हूं कि हिंदू ने आपका क्या बिगाड़ा है, हिंदू को आपने 19,000 मार दिए, हिंदू के बहनों के घर सोच उजाड़ दिए, क्या किसी हिंदू भाई ने किसी सिख समाज के ऊपर को गलत कमेंट किया, नहीं किया, आप एक ही बात कहते हैं हमारे मुंडे मार दिए, मुंडे कौन, आतंकवादी जिन्होंने 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया। मैं किसी घर में चला गया दिल्ली के बाहर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सरदार साहब थे को मेरे दोस्त, उन्होंने कहा लंच पे, मैं कहा नहीं चाय पे आऊंगा, चाय पे गया, मुझे एक सवाल किया परिवार के साथ, मुंडे बड़े मार दिए वहां आतंकवादियों को, मुंडे मुंडे बड़े मार दिए, तो दर्शन जी मेरी आंखों में खून आ गया, मैं कहा मुंडे तो सरदार जी मार दिए जिन्होंने बेगुनाह लोगों को 36,000 लोगों को मारा और 19,000 हिंदू भाई मार दिए, वो बेड़े बकरियां थी क्या, वो रस्ते में जाते बेटे बकरियां थी, पंछी थे, फायर किया मार दिया, चाकू किया मार दिया, जिन्होंने मारा उनकी तकलीफ हुई, जिनको मारा गया उनका कोई नाम नहीं। ये मेरे साथ हुआ है, मैं देखता हूं, मैं बड़ा कुछ देखता हूं जीवन में, तिरंगे झंडे का अपमान हुआ था ना 26 जनवरी को, कई मेरे ऐसे दोस्त मेरे से दूर चले गए, क्यों, तिरंगे झंडे के लिए कोई हिंदुस्तान में खड़ा नहीं हुआ, मेरे दोस्त
मेरे 25 25 साल पुराने दोस्त मैंने छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि जब मैंने कहा अरे देखो कौम का अपमान हुआ, कहते कोई बात नहीं फिर क्या हुआ, केसरी लहराया है। मैं अपने पीए को बोला नाम काटता जा, जिसको मेरे तिरंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के खून से तिरंगे झंडे से प्यार नहीं, जिस व्यक्ति को मेरी भारत मां से प्यार नहीं, जिसको प्यार है सिर्फ अपने दायरे तक, ना अपने गुरु, गुरु का ज्ञान है, गुरु ने मानवता की रक्षा के लिए हम कुर्बानियां दी थी, नदेड़ साहब आप जानते हैं, आपके पास नदेड़ साहब, गुरु गोविंद सिंह महाराज, एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज, एक सज्जासी जंग पटना साहब में जन्म हुआ, और आखिरस्तान बच्चों को नियों में चनवाते चनवाते औरंगजेब से लड़ते लड़ते आखिर में चले गए नदेड़ साहब, नदेड़ साहब पटना साहब पंजाब, और आज हम कहते हम पंजाब कश्मीरियों की तरह, हम पंजाबी, अरे पंजाब हमारे गुरुओं का हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान, आपका हिंदुस्तान, आप क्यों नहीं कहते, आप तो एक ही कहते हम तो पंजाब के, बिल्कुल हम तो पंजाबी, हम तो सरदार। अरे सरदार का मतलब क्या होता है? सरदार का मतलब होता है मानवता की रक्षा करना। सरदार का काम नहीं होता हाथ काटना तलवारियों की तरह सिंधु घाट में। सरदार का मतलब नहीं होता कि भारत मार की पीठ पे छुरा मारना। अगर खालिस्तान के नारे को लगाता तो हिंदुस्तान के मेरे सिख भाई मेरी तरह आए, कहो मुझे कौम का गद्दार, मुझे फख्र है इस चीज का, मुझे हिंदुस्तान का गद्दार नहीं कोई कहेगा, मुझे भारत का गद्दार नहीं कहेगा, मुझे सिख गद्दार कहते, कहो मेरी माँ, मेरी भारत माँ, जिसके लिए मेरे गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर ने अपने शीश को वार दिया था, इस मातृभूमि के लिए और कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए, और गुरु गोविंद सिंह महाराज ने सरहंद की नींव में अपने बच्चे छोटे छोटे 7 साल 8 साल चढ़वा दिए थे। मैं उस कौम, आप मानवता को मारते हैं, आप गुरु महाराज के असूलों पर नहीं चलते। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद मित्रों, आज वंदे मातरम।